और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के संबंध में राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन राम यश की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया गया। बैठक न्यूनतम पेंशन 700 से 800 मिलने के विरोध में किए गए इस बैठक में न्यूनतम 3000 पेंशन की मांग, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन बीमा का लाभ दिए जाने की मांग किया है। फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि नवंबर तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर फेडरेशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राम यश ने कहा, और न हम करने की स्थिति में वो संगठन करें अभी ना करके, लेकिन ये इंतजार कर दिया जाए कि 3000 वाला मामला अपने हाथ में आ जाता है उसका उसके बाद लगातार मैं चाहता हूँ। राम यश, जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन की के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। मेरी मुख्य डिमांड यह है कि हिंदुस्तान में एक ईपीएस 95 एक्ट के तहत 16/11/95 को जो असरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी थे उनको ईपीएफ पेंशन मिलता है, जो कितना कम मिलता है, 1500 से कम, और आज न्यूनतम पेंशन 700 से 800 से ज़्यादा नहीं मिलता। इतने कम पेंशन में आज की इस महंगाई के दौर में गुजारा करना असंभव है। हम लगातार ये अपने संगठन की तरफ से मांग करते रहे हैं कि आज जीने लायक पेंशन हमको दिया जाए, हमको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए और हमको जीवन बीमा का लाभ दिया जाए, जो पिछले सदन में 24 जुलाई 2018 को सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने सदन में सवाल लगाया। इस अक्टूबर के लास्ट तक जैसा कि आश्वासन दिया गया था और नवंबर के फर्स्ट वीक तक लागू नहीं किया गया, तो फिर हम जाकर पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात को आवाज़ को बुलंद करेंगे।